अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक और मुसीबत, क्या मुसलमानों को इस साल कुर्बानी देने से रोका जाएगा? लिहाजा अब तक कोई सर्कुलर तो नहीं आया है, लेकिन कुछ खबरें गश्त कर रही है। भारत मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ तहजीब और ज़बानों का मुल्क है और यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, एक समाज को निशाना बनाया जा रहा है और अब तो कोई भी खुलकर मुस्लिम समाज के खिलाफ बोल सकता है, ऐलान भी कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को जानबूझकर उकसाने की कोशिश करते हैं और मुस्लिम समाज बहुत जज्बाती होता है, फौरन साजिश के जाल में फंस जाता है और इसी वजह से काफी नौजवान जेलों में मुकदमात में फंस जाते हैं। मुस्लिम लीडरों को चाहिए कि सब्र से काम लिया जाए, पर सवाल ये उठता है कि आखिर सब्र के मायने किस पस मंजर में लिया जाए। बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, बिफ और गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग, लव जिहाद का झूठ, कोरोना में तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों को अलग थलग करने की साजिश, हिजाब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोकना, ज्ञानव्यापी मस्जिद हलाल झटका, मुस्लिम ताजिरों को सड़कों पर मेलों में दुकान न लगाने देना, मुसलमानों के खिलाफ समाजी बायकॉट का ऐलान करना, ठेलों पर मुसलमानों को फ्रूट सब्जी बेचने पर पीटना, फिर धर्म संसद के जरिए नस्लकशी का ऐलान करना और इस ऐलान के वक्त भाजपा लीडरों की भी शिरकत, मस्जिदों पर जुलूस के बहाने भगवा परचम लहराना, कई जगहों पर बुजुर्गों के आस्थानों की तौहीन, अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर का दावा, टीपू सुल्तान की मस्जिद आला के नीचे हनुमान मंदिर का दावा और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना। अब तो कोई भी कुछ भी कहता देखा जा रहा है। आखिर सब्र के मानी क्या है, इसके क्या हुदूद हो सकते हैं, कहां तक आखिर खामोशी इख्तियार की जाए? इसका मतलब हमने पिछली मर्तबा भी कहा था कि सड़कों पर एहतजाज कर अग्निवीरों की तरह सरकारी मिल्कियत को जलाया जाए, नुकसान किया जाए और कहा जाए कि हम हुकूमतों के तमाम फैसलों की मुखालफत करते हैं, हरगिज नहीं। पर खामोशी को क्या कहा जाए, इसे सब्र कहा जाए या फिर बुजदिली, या फिर जो हक हमें संविधान ने दिया है उसका तक हम इस्तेमाल ना करें? जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो इस पर भी सिर्फ ये कहकर खामोश रहा जाए कि मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है? मामला हर रोज आगे बढ़ता जा रहा है, अब एक और नई मुसीबत आने के अंदेशों को जाहिर किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस बकरीद पर कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी। इसे कुछ न्यूज वालों ने भी शाया किया है, अब इसे क्या कहा जाए? हालांकि अभी तक कोई पोख्ता फरमान जारी नहीं हुआ है, किसी तरह का सर्कुलर नहीं है, लेकिन खबरें इस तरह की गश्त कर रही हैं, तो इन खबरों पर भी तवज्जो देना जरूरी है। और क्यों ना कर सकेंगे वो, और यकीन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। अगर वो इजाजत देते भी है तो यह ना समझा जाए कि हमें बिल्कुल आजादी मिल गई। एक समाज को किसी ना किसी मामले को लेकर हिरासा किया जा रहा हो और कुछ दीनी और सियासी रहनुमाओं की जानिब से कहा जाता है कि सब्र तहम्मुल का मुजारा किया जाए। अब कुछ शहरों में मुस्लिम जमातों के जिम्मेदारान कुर्बानी को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जब हुकूमतें पहले से ही अपना जहन बना चुकी हैं कि कुर्बानी नहीं होने देंगे या सिर्फ बुचड़खाने में ही कुर्बानी दी जाएगी, इस पर क्या कर सकते हैं? आखिर हुकूमतों पर, इंतजामिया पर कैसे दबाव बनाया जा सकता है? फिर एहतजाज नहीं कर सकते? हासिल इत्तला के मुताबिक इस कुर्बानी पर सख्त कानूनों के साथ घरों में या बंद जगहों पर इज्तमाही कुर्बानियों से रोका जा सकता है। आप इंतजामिया से जाकर गुजारिश करेंगे तो हम मजबूर हैं, और हुकूमत का ऊपर से फैसला आया है कि कहानियां सुनाई जाती है। अब ऐसे वक्त में क्या कर सकते हैं? कहने का मतलब, क्या दीनी मजहबी फराइज से भी रोका जाएगा? जबकि कुर्बानी हमारा फरीजा है और इसके बगैर एक मोमिन कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, जबकि हमारे संविधान ने भी हमें हक दिया है और इस मुल्क का संविधान हर फर्द को इसके मजहबी मामलात को अंजाम देने की पूरी आजादी देता है। क्या सिर्फ एक ही समाज की आस्था है? हर शहरी को इसके मजहब के मुताबिक अपनी आस्था पर चलने की आजादी है। ईसाइयों में सुअर का गोश्त खाते हैं, ये उनकी आस्था है। मुसलमानों में बिफ खाने का हुक्म है, इसी तरह हिंदू मजाहिब में गोमूत्र और गोबर खाने की तरगीब दी जाती है। हिंदू तंजीमों की जानिब से गोमूत्र की दावतों को भी रखा जाता है, लिहाजा अब इसे किसी और पर थोपा नहीं जा सकता। आप अपने धर्म पर रहो, किसे एतराज है, लेकिन एक ही धर्म का कानून चलेगा और किसी का नहीं, ये इस मुल्क के संविधान के खिलाफ है। अब जब कुर्बानी की ईद नजदीक है, जिस तरह की खबरों को सुना जा रहा है, आखिर मुस्लिम माशरे का रद्दअमल क्या रहेगा? सबसे अहम ये है कि मुल्की सतह पर किसी भी बड़ी तंजीम इदारे की जानिब से कोई दबाव हुकूमतों पर डालते हुए देखा नहीं जाता। जिसने भी दीनी सियासी रहनुमा आखिर मरकजी सतह पर पहुंचकर ये बात क्यों नहीं बताते कि दीनी दायरों में दाखिल होने की इजाज़त कतई नहीं है? लिहाजा आप दीगर मामलात में जो कानून बना सकते हैं, इस पर बहस जरूर हो सकती है। हो सकता है कि कुछ मान लिया जाए और कुछ नहीं, लेकिन मजहबी दायरों में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, ये बात क्यों नहीं कही जाती? और ये डंके की चोट पर क्यों नहीं सुनाई जाती?
अगर मान लिया जाए कि कुर्बानी में सख्त कानूनों के तहत कार्रवाई की धमकी दी जाती है तो क्या मंसूबा हो सकता है। इतना जरूर है कि भाजपा की नुपुर शर्मा ने जो नबी की शान में गुस्ताखी की है यह बहुत कुछ बयान करता है और इस पर तमाम माशरे का खामोश रहना भी ईमान की हरारत को वाजे करता है सिवाय कुछ शहरों को छोड़कर। इतना तो जरूर है कि वो उकसा रहे, इतना तो जरूर है कि वो उकसा रहे कहकर इस तरह खामोश भी बैठना बेहिसी की दलील ही कह सकते हैं। रोजाना कुछ ना कुछ अकलीती समाज के खिलाफ साजिश चली जाती है और तमाम बड़ी जमातें, तमाम बड़े इमाम और सियासी लीडर खामोश रहते हैं। इसे क्या समझ लिया जाए? अभी भी मुल्क का संविधान जिंदा है और इन पर इसी संविधान के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। कई सारे मुकदमे होने के बावजूद नुपुर शर्मा की न तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही पूछताछ पुलिस की जानिब से की गई है। इसके बरक्स नुपुर शर्मा को तहफ्फुज़ फराहम करने की मांग की जा रही है। ये सब कुछ तो है ही, इसके बावजूद दीनी मजहबी मामलात में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इस बार कुर्बानी को लेकर कुछ सख्त फैसले लिए जाने के इम्कान तो जरूर हैं और अगर कुर्बानी करने की कुछ हद तक गुंजाइश भी हो तो ये ना समझा जाए कि तमाम मसले हल हो जाएंगे। लिहाजा बहुत ही संजीदगी से आने वाले दिनों में जो हालात रुनुमा होने वाले हैं इस पर तबादला ख्याल होना चाहिए। मोहल्लों में हर मस्जिद हर जमात इत्तेफाक के साथ बैठकर संजीदगी से मशवरों को अंजाम दे। बहुत ऐश कर ली, बहुत आपसी इख्तलाफात में अपनी कुव्वत बर्बाद कर ली। उम्मत बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रही है। वसी नजरिए के साथ मंसूबाबंदी जरूर है। आने वाला हर लम्हा इस माशरे के लिए आजमाइश होने वाला है और यह भी बात याद रखे कि आजमाइश उन लोगों के लिए हो सकती है जो किसी तरह का समझौता ईमान और इस्लाम में करना नहीं चाहते, वरना तो ईमान तो अंदर रहता है कहकर मुनाफिकत अख्तियार करने वालों के लिए दुनिया की जिंदगी तो मैसर हो सकती है लेकिन शायद आखिरत में जवाबदेही हो सकती है। मरकजी जमातों को आगे बढ़कर हुकूमतों से सवाल करने होंगे। जमियत उलमा, जमात इस्लामी, अहले हदीस, तबलीगी, बरेली और ना जाने कौन कौन सी जमाते जिन्होंने अपने आप को जन्नती होने का लेबल लगा लिया था अब तक, लेकिन अब जब हालात बदलने लगे हैं तभी को दाल आटे का भाव भी समझने लगा है। अब जरूरत है तमाम अख्तलाफात, तमाम जिद और अना को छोड़कर अवाम को हकीकत से आगाह करें, मस्जिदों को मरकज बनाकर हालात हाजरा पर खुलकर तबसरा करें। फजाइल मसाइल पर बयान करते करते उम्रे गुजर गई, उम्मत के पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, लिहाजा आप खतरनाक हालात जो आने वाले हैं इसके तबसरे करें। अगर मस्जिदों के इमामों को मालूमत नहीं, मतलब हालात का इल्म खुलकर नहीं बता सकते, जिन्हें मालूमत है इन्हें 10 मिनट का वक्त दिया जाए। वरना उमूमन देखा जाता है कि हमने क्या मदरसे में यूं ही वक्त निकाला है, मिंबर के करीब दूसरों को क्यों मौका दिया जाए कि बातें भीख कहते हुए देखी जा रही है। खैर, वक्त बहुत कम है और उम्मत को बेदार भी करना है इस मुल्क के बेहतरी के लिए, मुल्क के संविधान के लिए और आने वाली नस्ल के लिए। महज मुसलमान ही निशाने पर नहीं है, जो भी इस मुल्क का दबा कुचला तबका है इन पर हालात आएंगे। महाराष्ट्र में जो तब्दीलियां बज़ाहिर इख्तदार की नजर आ रही है लेकिन इसके पीछे भी किसी समाज को लेकर साजिश है। कुल मिलाकर एक मुल्क एक मजहब एक पार्टी का मंसूबा बनाया जा रहा है और सबसे अहम इस मुल्क के संविधान को बदलने की साजिश है। इसे बचाना बहुत जरूरी है। कुर्बानी पर पाबंदी की साजिश तेज है, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज पे ऐसे जी रहा है जैसे इसका मसला है ही नहीं और यही बेहसी समाज को लेकर डूबने वाली है और यही बेहसी आने वाली नस्ल को माजूर और पाहिज बना सकती है, जिसके लिए आज का मुसलमान ही जिम्मेदार होगा, फिर वो कोई दीनी या सियासी रहनुमाओं की बड़ी जमात ही क्यों ना हो। कल बरोज शनिचर 25 जून 2022 को नुमानी हॉस्पिटल की जानिब से आजाद नगर में मुफ्त गायनेक और जनरल चेकअप खवातीन का कैंप रखा हुआ है। नुमानी हॉस्पिटल के माहिरीन डॉक्टर्स इसमें शरीक होंगे। खासकर खवातीन के तिब्बी मसाइल पर कैंप रखा गया है, माहिर खातून डॉक्टर्स इसमें शिरकत फरमाएंगे। डॉक्टर सदरुद्दीन गदग वाले चौथा क्रॉस मेन रोड आजाद नगर में सुबह 10 से 12 बजे तक फ्री गायनेक एंड जनरल चेकअप फॉर लेडीज रखा गया है। कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर फायदा उठाए ऐसा नुमानी अस्पताल की जानिब से ऐलान किया गया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।